शामली में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले शामली में सपा नेताओं ने वोटरों से अपील की है। सपा नेताओं ने वोटरों से कहा कि वे खाना पानी लेकर मतदान सपा नेताओं ने वोटरों से कहा कि वो खाना पानी लेकर मतगणना स्थल के पास पहुंचे ताकि अपनी वोट की निगरानी कर सके। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में भीड़ का बहुत महत्व होता है और वे जनता के साथ रहेंगे। धारा 144 और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सपा नेताओं की अपील को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। सोमवार को सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी और सहारनपुर जिले से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली ने शामली के हनुमान धाम के पास स्थित एक व्यावसायिक संस्थान पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने धारा 144 और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बावजूद भी वोटरों से अपील करते हुए कहा कि वे काउंटिंग के दिन खाना पानी लेकर मतगणना स्थल के पास पहुंचे। हालांकि इस दौरान सपा नेताओं की अपील के संबंध में सवाल जवाब किए गए तो वे उसके बावजूद भी अपने बयानों पर काबिज नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें अब तक की चुनाव प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन भाजपा जिस प्रकार 400 पार का दावा कर रही है उसमें कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता है। ऐसे में जनता को अपने वोट के प्रति जागरूक होने की जरूरत है और हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मौके पर जनपद स्तरीय पुलिस संबंधित खुफिया इकाई के लोग भी मौजूद थे। अभी जिलाध्यक्ष जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ और हमें उम्मीद है कि प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहेगा। जैसे लोगों ने चुनाव बहुत निष्पक्ष तरीके से करवाया, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं था। मतलब अच्छी जगह सहारनपुर जिला हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, हमें उपराले की तरफ से उम्मीद ये है कि अधिकारियों का अच्छा रोल रहेगा, निष्पक्ष जहाँ कहना है गिनती होगी। जनता ने जो फैसला दिया है वो सही फैसला जनता के को मिलना चाहिए, उसका न्याय सही मिलना चाहिए। किसी तरह का दबाव, किसी तरह का कोई ऐसा मामला ना होना चाहिए कि जनता को जनता यहाँ पर ठगा ना। नहीं, आपको विश्वास भी है प्रशासन पर, उसके बावजूद आप अंदेशा जता रहे हैं, तो दोनों बात। नहीं, अंदेशा नहीं कहा मैंने, कहा हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद है कि प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा चुनाव के अंदर। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई मामला नहीं रहा, छोटी मोटी जगह पर हुआ, लेकिन हम लोग शिकायत नहीं कर सकते और हमें उम्मीद है कि प्रशासन का ऐसा ही रोल गिनती के अंदर भी रहना चाहिए। जो जनता ने जो फैसला दिया, जनता ने जो निर्णय दिया है, उनको उसी के हिसाब से सही फल मिलना चाहिए। काउंटिंग के दौरान अगर कोई लेटर वेटर जारी किया गया आपने? आज हमारा जो संगठन है अलायंस की पूरी टीम जाकर मिलकर आई है, उन्होंने बात भी कराया, अपनी बात भी रखी है। उन्होंने आप ही के हम लोग चैनल के माध्यम से पढ़ भी रहे थे, अभी हम लोगों ने न्यूज भी देखी। उन लोगों ने कहा कि जो हमारे जो पेपर रहते हैं, जो वोट डाले गए हैं बैलेट वाले, पहले उनकी गिनती हो, हमें बता देना चाहिए कि कितने वोट हैं। ये नहीं कि बाद में बताया जाए, नई गाइडलाइन आई है चुनाव आयोग की, तो ये सब उसके ऊपर रखिए अपनी बात। पर हम उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर गौर करें। जैसे क्या है आपका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? मैं एक अपील आपसे करता हूँ कि जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि वो लोग अपना जलपान पानी की व्यवस्था, अपना खाना वाना ले कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिन्होंने भी वोट दिया है वो वहाँ पहुँचे, जहाँ तक प्रशासन की लिमिट है, और वो अपनी वोट का भी ध्यान रखें। जब उन्होंने वोट डाली है तो वो अपनी वोट का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्थिति ऐसी है, प्रशासन का दबाव हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बीजेपी कहती है कि 400 पार काफ़ी टाइम से कहती आ रही है, और जो मीडिया ने जैसा कि टीवी पर दिखाया कि भाई 300 पार 400 पार दिखाया है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र ना हो। तो अगर आपको ये षड्यंत्र रचा मिलता है तो आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, हम जनता के साथ हैं, जनता जो चाहेगी जनता के साथ रहे। आपने कहा कि जिन्होंने वोट किया वो पहुंचे, जहाँ तक प्रशासन ने बैरिकेडिंग किया, उससे 11 लाख मतदाताओं को बुला लोगे आप? मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी आ सकते हैं वो पहुंचे। मतलब उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है, अंदर तो एंट्री नहीं होगी, बाहर प्रशासन ने बैरिकेडिंग, जहाँ तक भीड़ इकट्ठा क्यों करना चाहते हो आप? 144 भी लगी है, ठीक है, आचार संहिता भी है, उसके बावजूद सपा जो है लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रही है काउंटिंग स्थल के पास, तो इसका उद्देश्य क्या है? काउंटिंग स्थल के नहीं, जहाँ तक बैरिकेड लगा हुआ है, जहाँ तक प्रशासन की सीमा है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पहुँचे और अपनी वोट का जो दी गई है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। उनकी वोट का ध्यान तो राजनीतिक दल रखेंगे, भीड़ जुटाने का मकसद क्या है? भीड़ जुटाने, लोकतंत्र में संख्या बल का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर संख्या बल आपके पास नहीं है तो आप जो है किसी भी तरह की राजनीति, आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा भीड़ देख के प्रशासन जो है आपके दबाव में आ जाएगा? नहीं, हम प्रशासन का दबाव में नहीं जाना चाहते। ये अपना निर्णय कुछ
गड़बड़ी ना करे तो कोई समस्या ही नहीं है। आपकी भीड़ को देख के क्या प्रशासन गड़बड़ी नहीं करना? इसका मतलब ये है प्रशासन को हम दोषी नहीं ठहरा रहे। अभी हम कह रहे हैं अगर किसी तरह से काउंटिंग रुकती है किन्हीं कारणों से और प्रशासन पे कोई दबाव इस तरह का आता है कि भाई हेरा फेरी की बात लगती है अंदर एजेंटों को, तो भीड़ ही लोकतंत्र में काम करती है। जैसे आप पत्रकार हैं आप, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा प्रशासन को कि जितना हमारा मीडिया है उसका नजदीक से नजदीक व्यवस्था की जाए, उसको दूर ना रखा जाए, काउंटिंग से उसको दूर नहीं रखा जाए। पूरे चुनाव में मीडिया आपको याद नहीं आया, आज एक दिन पहले मीडिया याद आई आपको। मीडिया से हम सदा संपर्क में रहे अध्यक्ष जी, चुनाव में अभी अध्यक्ष जी जो कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूँ और हमें उम्मीद है कि प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहेगा। जैसे इन लोगों ने चुनाव बहुत निष्पक्ष तरीके से करवाया, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं था, मतलब अच्छी जगह सहारनपुर जिला हो चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो शामली हो, हमें ऊपर वाले की तरफ से उम्मीद ये है कि अधिकारियों का अच्छा रोल रहेगा, निष्पक्ष जहाँ कहना है गिनती होगी। जनता ने जो फैसला दिया है वो सही फैसला जनता के को मिलना चाहिए, उसका न्याय सही मिलना चाहिए, किसी तरह का दबाव किसी तरह का कोई ऐसा मामला ना होना चाहिए कि जनता को जनता के नाम पर ठगा न दे। नहीं, आपको विश्वास भी है प्रशासन पर, उसके बावजूद आप अंदेशा जता रहे हैं, तो दोनों बात नहीं, अंदेशा नहीं कहा मैंने, कहा हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा चुनाव के अंदर। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई मामला नहीं रहा, छोटी मोटी जगह पर हुआ, लेकिन हम लोग शिकायत नहीं कर सकते और हमें उम्मीद है कि प्रशासन का ऐसा ही रोल गिनती के अंदर भी रहना चाहिए। जो जनता ने जो फैसला दिया, जनता ने जो निर्णय दिया है, उनको उसी के हिसाब से सही फल मिलना चाहिए। काउंटिंग के दौरान अगर कोई लेटर वेटर जारी किया गया आपने, आज राष्ट्रीय हमारा जो संगठन है एलायंस की पूरी की पूरी टीम जाकर मिलकर आई है, उन्होंने बात भी कराया, अपनी बात भी रखी है, उन्होंने आप ही के हम लोग चैनल के माध्यम से पढ़ भी रहे थे, अभी हम लोगों ने न्यूज भी देखी, उन लोगों ने कहा कि जो हमारे जो पेपर वैसे वोट डाले गए हैं बैलेट वाले, पहले उनकी गिनती हो, हमें बता देना चाहिए कि कितने गिन कितने कितने वोट हैं, ये नहीं कि बाद में बताया जाए नई गाइडलाइन आई है चुनाव आयोग की, तो ये सब उसके ऊपर रखिए अपनी बात, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर गौर करेंगे। जैसे क्या है आपका आज प्रश्न उन्नत करना? मैं एक अपील आपसे करता हूँ कि जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि वो लोग अपना जलपान पानी की व्यवस्था अपना खाना वाना ले कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिन्होंने भी वोट दिया है वो वहाँ पहुँचे जहाँ तक प्रशासन की लिमिट है, और वो अपनी वोट का भी ध्यान रखें, जब उन्होंने वोट डाली है तो वो अपनी वोट का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्थिति ऐसी है प्रशासन का दबाव हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बीजेपी कहती है कि 400 पार काफ़ी टाइम से कहती आ रही है, और जो मीडिया ने जैसा कि टीवी पर दिखाया कि भाई 300 पार 400 पार दिखाया है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र ना हो। तो अगर आपको ये षड्यंत्र रचा मिलता है तो आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए हम जनता के साथ, हम जनता के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, जनता जो चाहेगी जनता के साथ रहेगी। आपने कहा कि जिन्होंने वोट किया वो पहुंचे जहां तक प्रशासन ने बैरिकेडिंग किया, उससे 11 लाख मतदाताओं को बुला लोगे आप? मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी आ सकते हैं वो पहुंचे। मतलब उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है, अंदर तो एंट्री नहीं होगी, बाहर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है, भीड़ दिखाने का क्या है? जहाँ तक भीड़ इकट्ठा क्यों करना चाहते हो आप? धारा 144 भी लगी है, ठीक है, आचार संहिता भी है, उसके बावजूद सपा जो है लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रही है काउंटिंग स्थल के पास, तो इसका उद्देश्य क्या है? काउंटिंग स्थल के नहीं, जहाँ तक बैरिकेड लगा हुआ है, जहाँ तक प्रशासन की सीमा है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पहुँचे और अपनी वोट का जो दी गई है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। उनकी वोट का ध्यान तो राजनीतिक दल रखेंगे, भीड़ जुटाने का मकसद क्या है? भीड़ जुटाने, लोकतंत्र में संख्या बल का सबसे ज्यादा महत्व है, अगर संख्या बल आपके पास नहीं है तो आप जो है किसी भी तरह की राजनीति। आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा भीड़ देख के प्रशासन जो है आपके दबाव में जाएगा? नहीं, हम प्रशासन का दबाव में नहीं जाना चाहते। ये अपना निर्णय कुछ बदलते हैं, गड़बड़ी अगर जो हो रही है उसको ना करें, गड़बड़ी ना करें तो कोई समस्या ही नहीं है। आपकी भीड़ को देख के क्या प्रशासन गड़बड़ी नहीं करना? इसका मतलब ये है प्रशासन को हम दोषी नहीं ठहरा रहे। अभी हम कह रहे हैं अगर किसी तरह से
काउंटिंग रुकती है किन्हीं कारणों से, और प्रशासन पे कोई दबाव इस तरह का आता है कि भाई हेरा फेरी की बात लगती है अंदर एजेंटों को, तो भीड़ ही लोकतंत्र में काम करती है। जैसे आप पत्रकार हैं और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा प्रशासन को कि जितना हमारा मीडिया है उसका नजदीक से नजदीक व्यवस्था की जाए, उसको दूर ना रखा जाए, काउंटिंग से उसको दूर नहीं रखा जाए। पूरे चुनाव में मीडिया आपको याद नहीं आया, आज एक दिन पहले मीडिया याद आई आपको। मीडिया से हम सदा संपर्क में रहे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।